तो हमने शुरू करना था बेटा। डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन, ठीक है। तो पहले बात तो हम बात करते हैं डाइजेशन। डाइजेशन क्या है? ब्रेक डाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स फूड इनटू सिंपल फूड, और यू कैन से, या हम कहेंगे हाइड्रोलिसिस, स्पेसिफिकली हाइड्रोलाइसिस, ब्रेक डाउन बाय एडिशन ऑफ वॉटर। द एंजाइम्स विच ब्रेक डाउन कॉम्प्लेक्स फूड बाय एडिशन ऑफ वॉटर, द एंजाइम्स आर कॉल्ड एज हाइड्रोलिसिस एंड द प्रोसेस इज हाइड्रोलिसिस। हाइड्रोलिसिस ऑफ पॉलीमर्स इनटू मोनोमर्स इज कॉल्ड एज डाइजेशन, ठीक है। तो ये कैसे होती है? देयर इज प्रेजेंट कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम इन ह्यूमंस। कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम का क्या मतलब है? दैट इज हैज सेपरेट माउथ एंड एनस, हैज सेपरेट माउथ एंड एनस, दैट इज कॉल्ड एज कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम, ठीक है। तो इट स्टार्ट्स विथ माउथ। माउथ हैज बक्कल कैविटी। बक्कल कैविटी ऑन द आउटसाइड बाउंड बाय लिप्स, इनसाइड रूफ इज फॉर्म्ड ऑफ पैलेट, फ्लोर इज ऑक्यूपाइड बाय मस्कुलर टंग एंड साइड्स बाय जॉज हैविंग टीथ। ठीक है जी। उसके बाद पैलेट आपको पता है जो आगे वाला है, दैट इज हार्ड पैलेट, और जो पीछे वाला पोर्शन है दैट इज सॉफ्ट पैलेट। हार्ड पैलेट कीप्स द फूड इन माउथ ड्यूरिंग चूइंग ऑफ फूड, राइट। सॉफ्ट पैलेट हेल्प्स इन स्लिपिंग ऑफ फूड इन द यू नो फेरेंक्स एंड देन इनटू ईसोफेगस। स्लिप कर जाता है ताकि अर्ली इजीली पास हो जाए अंदर को। दिस इज द फंक्शन ऑफ पैलेट। उसके बाद टंग। टंग इज मस्कुलर टंग विच इज अटैच्ड बाय पोस्टीरियर साइड, पीछे वाली साइड से अटैच्ड है, आगे वाली साइड से फ्री है, ठीक है। एंड इट इज डिवाइडेड इंटू टू पार्ट्स, फिरेंजियल पार्ट एंड दिस इज ओरल पार्ट। इट हैज पेपिला, टंग के पास पेपिला है, छोटे छोटे रिजेस की फॉर्म में। दीज आर वेलेट पेपिला, लार्जेस्ट पेपिला है ये। हेयर लीफ लाइक फोलिएट पेपिला,
दीज आर वेस्टिजियल, ह्यूमंस में वेस्टिजियल है ये, कोई फंक्शन नहीं है, वेस्टिजियल फोलिएट पैपिला, फोलिएट मतलब लीफ लाइक पैपिला. देन देयर आर प्रेजेंट मशरूम शेप्ड फंगीफॉर्म पैपिला. सब तरफ है. मशरूम लाइक फंगी फॉर्म पैपिला. एंड देन देयर आर प्रेजेंट These are most abundant filiform papilla. प्रिया मेरी आवाज आ रही है बेटा? These are yes ma'am. Okay. Filiform papilla. जो filiform papilla है, these are smallest and most abundant. जो वेलेट पैपिला है, has taste buds जो फंगीफॉर्म पैपिला है, has taste buds. फिलीफॉर्म पैपिला के पास टेस्ट बर्ड्स नहीं है, और फोलिएट पैपिला तो वैसे ही वेस्टिजियल है. इज इट ओके? सो दिस इज अबाउट टंग. पैपिला की बात अगर हम करते हैं, ये जो फिरिंजियल पार्ट है, इट हैज मास ऑफ लिम्फोइड स्ट्रक्चर. इट हैज लिम्फोइड टिश्यू जो प्रोटेक्शन करता है. लिम्फोइड टिश्यू आपको पता है डिफेंस सिस्टम है हमारी बॉडी का. तो यहाँ पे फरिंजियल पार्ट ऑफ द टंग हैज लिम्फोइड टिश्यू, ताकि जब हम खाना अंदर लेके जाएं तो ये लिम्फोइड टिश्यू माइक्रोब्स को मार दे. ठीक है. उसके बाद जो टंग है, टेस्ट देखें तो यहां जो है, इधर जो टेस्ट आता है पोस्टीरियर पार्ट में, दिस इज बिटर टेस्ट, कड़वा टेस्ट है. साइड्स में खट्टा, सार टेस्ट. ऑन द साइड्स देयर इज सार टेस्ट, खट्टा है. देन ऑन द साइड्स एज वेल एज टिप देयर इज सॉल्टी टेस्ट बड्स. टेस्ट बड्स विच रिसीव सॉल्टी टेस्ट. एंड एंटीरियर पोर्शन, दिस इज स्वीट टेस्ट. ये हमारे पास चार टेस्ट है, बिटर टेस्ट, सार टेस्ट, सॉल्टी टेस्ट एंड दिस इज स्वीट टेस्ट. ठीक है. एंड द टंग ये कैसी है? वोलंटरी मसल्स. इट इज फॉर्म्ड ऑफ वोलंटरी मसल्स कवर्ड बाई अ लेयर ऑफ स्किन. देन उसके बाद है हमारे पास जो साइड्स में है, बक्कल कैविटी की साइड्स में प्रेजेंट है, वो क्या प्रेजेंट है?
jaws having teeth. जो teeth है, teeth are formed of dentine. ठीक है, it is formed by dentine and crown part of teeth is covered by enamel, which is the hardest part. Hardest part ya hardest chemical ya substance in our body. जो ह्यूमंस के टीथ है, दे आर सबसे पहले तो वो थीकोडोंटस है. थीकोडोंटस मींस एम्बेडेड इन द जॉस. देन देयर दीज आर डायफियोडोंट. Diaphyodont means they arise twice in our life. एक हमारे जो है milk teeth है, दूसरे permanent teeth है. So these appear two times in our lifetime. So they are diaphyodont. Thecodontus, diaphyodontus and heterodontus. These are of different types. कौन कौन से है? Incisors, canines, premolars and molars. These are cutting teeth. These are shearing. Shearing होता है काट फाट करना, जो मेरा मतलब skin को, मांस को काटते फाटते हैं, that are canines. उसके बाद प्रीमोलर्स एंड मोलर्स, दीज आर ग्राइंडिंग एंड चूइंग टीथ. जो केनाइन्स है बेटा, एक मिनट. हाँ जी बेटा, चलिए जी. तो हम बात कर रहे हैं बेटा टीथ के बारे में. इंसाइजर्स, केनाइन्स, प्रीमोलर्स, मोलर्स, ये चार टाइप के टीथ है, इसलिए हेट्रोडोंटस कहते हैं. मिल्क टीथ का डेंटल फॉर्मूला क्या है? 2102/2102. ये है इंसाइजर्स, केनाइन्स, प्रीमोलर्स, मोलर्स. ये है अपर जॉ में, ये लोअर जॉ में, बट ये किस में है? पेयर्स में. पेयर्स ऑफ डिफरेंट टीथ इन अपर जॉ, पेयर्स ऑफ डिफरेंट टीथ इन लोअर जॉ. टू पेयर्स ऑफ इंसाइजर्स, वन पेयर ऑफ केनाइन्स, नो प्रीमोलर्स, टू पेयर्स ऑफ मोलर्स. तो कितने आगे? दो, चार, पांच, फाइव पेयर्स. फाइव पेयर्स मीन्स टेन टीथ. टेन टीथ इन द लोअर जॉ, टोटल टीथ आर 20. लाइकवाइज जो परमानेंट टीथ है, टू वन टू थ्री ओवर 2 1 2 3, तीन चार पांच छ सात आठ, 8 2 16, 16 32 टीथ. तो इसमें से कुछ टीथ ऐसे हैं जो सिर्फ परमानेंट सेट में है, जो मिल्क टीथ में नहीं है. वो कौन से है? टू पेयर्स ऑफ, या हम कह सकते हैं प्री मोलर्स एंड लास्ट मोलर्स, वन पेयर, राइट? तो कितने टीथ जो है वो मोनोफियोडोंट है. मोनोफियोडोंट मींस अपीयर्स इन वन सेट ओनली, अपीयर्स ओनली वंस. ये है टू पेयर्स ऑफ प्री मोलर्स
एंड वन पेयर ऑफ मोलर्स. सो थ्री थ्री टू जा सिक्स, सिक्स टीथ इन अपर जॉ एंड सिक्स टीथ इन लोअर जॉ. तो यहां से भी पता चल रहा है डिफरेंस से कि 12 जो है, 6 प्लस 6 जो है 12 टीथ इन टोटल आर मोनोफियोडोंट अपीयर्स ओनली वंस इन द लाइफ साइकिल. यह ना, या लाइफ स्पैन, हमारी लाइफ स्पैन में एक बार ही आते हैं वो. एक बार अगर वो टूट गए तो दोबारा नहीं आएंगे, सिर्फ परमानेंट सेट में आते हैं. कौन से? प्री मोलर्स एंड लास्ट मोलर्स. लास्ट मोलर्स को हम क्या कह देते हैं? विजडम टूथ, राइट? हाँ, अकल जाड़ या विजडम टूथ, राइट? सो और अगर हम टीथ का इन जनरल स्ट्रक्चर देखें तो ये जो पोर्शन है, दिस इज क्राउन, द एक्सपोज्ड पोर्शन. दिस इज नेक विच इज एम्बेडेड इन द जॉज. ये जॉ वाला पोर्शन है. एंड this is root, this is jawbone या alveoli हम कह सकते हैं. alveoli या socket of jawbone. jawbone तो पूरी है, उसमें जो छोटी छोटी sockets है जिसमें teeth fixed है, that is socket of the jawbone. यहां पे this is रूट कैनाल. या पल्प कैनाल. दिस इज पल्प कैनाल. इट इज लाइंड बाय ओडोंटोब्लास्ट्स विच सिक्रीट डेंटाइन. ठीक है जी, इसके अंदर बहुत सारी पल्प है. पल्प मतलब ब्लड वेसल्स एंड द नर्व्स. दिस कैनाल हैज ब्लड वेसल्स एंड द नर्व. दिस इज इनेमल. राइट, यहां पे है सीमेंट एंड दिस रूट इज जॉइंड विद द जॉबोन बाय कॉलेजन फाइबर्स कॉल्ड एज शार्पेस फाइबर्स. आपको पता है विद एज द कॉलेजन फाइबर्स डिटीरियोरेट्स, वीक हो जाते हैं, डिटीरियोरेट हो जाते हैं, डैमेज हो जाते हैं, जिसकी वजह से ये इन दोनों का कनेक्शन वीक हो जाता है और दांत झड़ जाते हैं बुढ़ापे में. राइट, सो दीज आर शार्पेस्ट फाइबर्स फॉर्म्ड ऑफ कॉलेजन विच जॉइंट टूथ विद द जॉबोन. दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ द ह्यूमन टूथ, टिपिकल ह्यूमन टूथ. So, this is about buccal cavity. Next, हम आ जाते हैं. Buccal cavity opens into, you know, pharynx. This is
ओरोफेरेंक्स। ये था नेसोफेरेंक्स, जिसमें से एयर आ रही है। ओरोफेरेंक्स इज ए कॉमन पैसेज फॉर फूड एंड एयर, राइट। एंड दिस इज एपिग्लॉटिस, ये अपर्चर जो है ये है ग्लॉटिस, ये है लेरिंगोफेरेंक्स, और इट ओपन्स इनटू ट्रेकिया। And here, this is esophagus, food pipe, right? Then, esophagus, no change of food occurs in esophagus. It only passes food from buccal cavity into stomach. This is stomach or gastric. It is J shaped, है ना, इस तरह से है। It is J shaped. It is the widest part of एलिमेंट्री कैनाल, ठीक है। ईसोफेगस से लेके रेक्टम तक हिस्टोलॉजी क्या है, हिस्टोलॉजी ऑफ एलिमेंट्री कैनाल फ्रॉम ईसोफेगस अप टू रेक्टम, क्या हिस्टोलॉजी है। हिस्टोलॉजी मीन्स अगर इसका मतलब पता चले, दैट इज कॉम्पोजिशन ऑफ इट्स वॉल। क्योंकि बीच में से तो अंदर तो स्पेस है, खाली है, तो इसकी वॉल की क्या कॉम्पोजिशन है। अगर हम ईसोफेगस को काट के देखें या किसी को भी काट के देखें, स्टमक को काट लें, ट्रांसवर्स सेक्शन काट लें, तो सबसे बाहर इट इज सिरोसा, दिस इज सिरोसा, देन देयर इज सब म्यूकोसा एंड इनर मोस्ट लेयर, दिस इज म्यूकोसा, और ये जो है दिस इज ल्यूमन ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। The outermost is serosa, then submucosa, and innermost is mucosa. जो serosa है, it is formed of epithelium. Serosa is formed of
एपिथीलियम, सब म्यूकोसा, सब म्यूकोसा इज फॉर्मड ऑफ कनेक्टिव टिश्यू. सब म्यूकोसा इज फॉर्मड ऑफ, एक और लेयर आ जाती है, मस्कुलरिस, ये बीच में बेटा, सिरोसा, फिर सेकंड है मस्कुलरिस. आउटर मोस्ट है सिरोसा, सेकंड है सब मस्कुलरिस, थर्ड है सब म्यूकोसा एंड इनर मोस्ट इज म्यूकोसा. जो सिरोसा है फॉर्मड ऑफ एपिथीलियम, मस्कुलरिस इज फॉर्मड ऑफ टू लेयर्स, आउटर लॉन्गिट्यूडिनल एंड इनर सर्कुलर मसल्स. मस्कुलरिस में इट इज फॉर्मड ऑफ स्मूथ मसल फाइबर्स, पहली बात तो ये, एंड आउटर लॉन्गिट्यूडिनल मस्कुलर लेयर्स एंड इनर सर्कुलर मस्कुलर लेयर. सब म्यूकोसा इज फॉर्मड ऑफ लूज कनेक्टिव टिश्यू. सब म्यूकोसा इज फॉर्मड ऑफ लूज कनेक्टिव टिश्यू, वेयर एज म्यूकोसा, म्यूकोसा इज फॉर्मड ऑफ सम मसल फाइबर्स एंड द एपिथीलियम, सम मसल फाइबर्स एंड द एपिथीलियम. वेरियस डाइजेस्टिव ग्लैंड्स, वेरियस डाइजेस्टिव ग्लैंड्स आर, मुझे बताओ, दीज ओरिजिनेट्स फ्रॉम, जल्दी से बताओ कहां से ओरिजिनेट होती है, सब म्यूकोसा से कि म्यूकोसा से? सब म्यूकोसा. नहीं, दोबारा से सोच के बताओ बेटा. मोस्ट ऑफ द डाइजेस्टिव ग्लैंड्स ओरिजिनेट फ्रॉम म्यूकोसा, ग्लैंडुलर एपिथीलियम ऑफ म्यूकोसा, एक्सेप्ट ब्रूनर्स ग्लैंड, एक्सेप्ट ब्रूनर्स ग्लैंड विच इज फॉर्मड ऑफ सब म्यूकोसा या विच ओरिजिनेट्स फ्रॉम सब म्यूकोसा. सो म्यूकोसा मैंने बताया था फॉर्मड ऑफ एपिथीलियम लेयर एंड फ्यू फाइबर्स, मसल फाइबर्स एंड एपिथीलियम. द एपिथीलियम इज ग्लैंडुलर एपिथीलियम which give rise to various glands. So, all the digestive glands originate from mucosa except Brunner's gland of small intestine which arise from submucosa. Then in case of stomach, the mucosa, agar hum dekhen, it has small ridges. The mucosa has small ridges called as rugae. These, जो ridges है, these are called as rugae in stomach. Whereas in small intestine, the mucosa has finger-like projections called as villi. It has finger-like projections called as villi. ठीक है, ये सब म्यूकोसा का ही बना हुआ है. Let us say, अगर हम यहां देखें तो these are villi to increase the surface area for absorption. ठीक है जी, ये जो अंदर finger-like projections नजर आ रही है, ये है विल्लाई. इज इट ओके? तो स्टमक में रुगे है,
और इंटेस्टाइन में विल्लाए हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन में, लार्ज इंटेस्टाइन में नहीं. इज इट ओके? सो दिस इज हिस्टोलॉजी ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल. और एक बात और, मस्कुलरिस. मस्कुलरिस में आई हैव टोल्ड यू दैट इट हैज स्मूथ मसल फाइबर्स विच आर अरेंज्ड इन लॉन्गिट्यूडिनल फैशन इन द आउटर लेयर एंड सर्कुलर फैशन इन द इनर लेयर एंड दे हेल्प इन पेरिस्टेल्सिस. द मस्कुलरिस लेयर ऑफ एलिमेंट्री कैनाल हेल्प्स इन पेरिस्टेल्सिस. यहां पर क्या आना है? फूड पार्टिकल इस एरिया में आना है. तो क्या है? कॉन्ट्रैक्शन ऑफ लॉन्गिट्यूडिनल मसल्स. यहां पे क्या आया? कॉन्ट्रैक्शन ऑफ लॉन्गिट्यूडिनल मसल्स इन पार्ट ए. ये ए पार्ट है. उसके बाद फूड ने नीचे कैसे पास करना है? कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सर्कुलर मसल्स इन ए एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ लॉन्गिट्यूडिनल मसल्स इन बी. ये बी है, जिससे क्या हुआ कि ये नैरो हो गया रीजन और ये वाइड हो गया रीजन. ये पोर्शन है ए, ये है बी. जब ये नैरो हुआ तो फूड यहां से यहां पास कर गया. दिस इज फूड. सो दिस इज हाउ पेरिस्टेल्सिस अकर्स, दैट इज कॉन्ट्रैक्शन ऑफ लॉन्गिट्यूडिनल एंड सर्कुलर मसल्स इन द एडजेसेंट रीजन. इज इट ओके? दिस इज पेरिस्टेल्सिस एंड इट इज कंट्रोल्ड बाय सिंपथेटिक एंड पैरासिंपथेटिक नर्व फाइबर्स. पेरिस्टेल्सिस जो है इट इज कंट्रोल्ड बाय सिंपथेटिक एंड पैरासिंपथेटिक नर्व फाइबर्स. ठीक है? जो पैरासिंपथेटिक नर्व फाइबर्स है दे इंक्रीज पेरिस्टेल्सिस एंड सिंपथेटिक इनहिबिट पेरिस्टेल्सिस. पैरासिंपथेटिक प्रमोट पेरिस्टेल्सिस एंड दिस इनहिबिट पेरिस्टेल्सिस. अब यहां पे जो स्टमक में, यू नो, हेयर देयर इज ए स्फिंक्टर या वॉल्व, दैट इज गैस्ट्रो इसोफेजियल वॉल्व या स्फिंक्टर, जिसको हम कार्डियक स्फिंक्टर भी कह देते हैं. व्हाई? बिकॉज दिस इज कार्डियक पार्ट ऑफ द स्टमक. यहां से दिस इज फंडस, दिस इज बॉडी और this is pylorus. Pylorus opens into duodenum of small intestine
एंड इट इज गार्डेड बाय, पाइलोरिक स्फिंक्टर. ठीक है जी. अब यहां पे जो गैस्ट्रिक ग्लैंड्स है, दे हैव जो गैस्ट्रिक ग्लैंड्स है, दे हैव चीफ सेल्स. देन देयर आर ऑल्सो कॉल्ड चीफ सेल्स आर ऑल्सो कॉल्ड एज पेप्टिक सेल्स. Oxyntic cells and goblet cells. जो chief cells है, they secrete proenzymes. कौन से? Pepsinogen and prorenin. Enzymes, gastric lipase, gastric amylase. ये दोनों जो enzymes है, these are weak enzymes, कोई ज्यादा काम नहीं करते. जो ये प्रो एंजाइम्स है, इनएक्टिव एंजाइम्स है, ये दोनों HCl की प्रेजेंस में गेट्स चेंज्ड इनटू पेप्सिन एंड रेनिन. बोथ आर प्रोटीएसेस, एक्ट ऑन प्रोटीन्स. ऑक्सेंटिक सेल्स secrete HCl, highly concentrated, बहुत ज्यादा 2 molar concentration होती है, highly concentrated HCl and Kessel's intrinsic factor. This Kessel's intrinsic factor helps in absorption of vitamin B12. ठीक है जी. HCl का क्या function है? Again, disinfection of food, kill the microbes. Second है activation of enzyme pepsin and renin. जो goblet cells है, they secrete mucus. क्या function है mucus का? Mucus covers the wall of the stomach. It lines the wall of the stomach to prevent its degradation या degeneration या breakdown by HCl and the proteases. Mucus covers the wall of the stomach to prevent its exsorption by HCl and proteases. Is it okay? ठीक है जी. So pepsin is a strong protease. जो renin है, it acts on milk protein casein. Renin helps in digestion of milk protein casein. But it is secreted only up to the age of 2 years. 1.5 से 2 साल तक ही secretion होती है. After which the function of renin is taken by pepsin. After 2 years of age, the function of renin is taken up by pepsin. ठीक है जी. नेक्स्ट हम आ जाते हैं बेटा स्मॉल इंटेस्टाइन.
स्मॉल इंटेस्टाइन में 3 पार्ट्स है। कौन से 3 पार्ट्स है? दैट इज ड्यूडिनम, जिजुनम एंड इलियम। दिस इज, यहां थोड़ा सा मैं रब कर दू, अगर हम चलो अलग से ही बना लें, ये है ड्यूडिनम, सी शेप्ड, देन दिस इज जिजुनम कॉइल्ड पोर्शन, और बहुत सारा कॉइल्ड है इलियम। इलियम इज हाईली कॉइल्ड, डाइजेशन इज कंप्लीटेड इन ड्यूडिनम एंड जिजुनम, एंड इन इलियम द डाइजेस्टेड फूड इज एब्सॉर्ब्ड। देयर स्टार्ट्स लार्ज इंटेस्टाइन, दिस इज सीकम, दिस इज कोलोन, दिस इज रेक्टम एंड दिस इज एनस। ये है सीकम, वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स, वेस्टिजियल है ये। ये जो है इलियोसीकल वॉल्व, ये है कोलोन, ठीक है जी। दिस इज ड्यूडिनम, ये है जिजुनम, और ये है इलियम। यहां पे है लिवर सराउंडेड बाय ग्लिसन्स कैप्सूल, कनेक्टिव टिश्यू कॉल्ड एज ग्लिसन्स कैप्सूल, है ना। मैंने चलो लिवर और तरह से है, बट मैंने एक सिर्फ रिप्रेजेंट ही किया है। दिस इज गॉल ब्लैडर, इसकी डक्ट है सिस्टिक डक्ट, आप देख रहे हो एंटी ग्रेविटी है, इधर से ऊपर जा रही है। राइट लोब, दिस इज लेफ्ट लोब। राइट हेपेटिक डक्ट, लेफ्ट हेपेटिक डक्ट, कॉमन हेपेटिक डक्ट जॉइंस विद सिस्टिक डक्ट टू फॉर्म बाइल डक्ट। ये है पेनक्रियाज, दिस इज पेनक्रियाटिक डक्ट, दिस कॉमन बाइल डक्ट ओपन्स इन द पेनक्रियाटिक डक्ट। सो दिस इज कॉमन आ गई हेपेटो पेनक्रियाटिक डक्ट, ये जो पोर्शन है दिस इज हेपेटो पेनक्रियाटिक एम्प्यूला विच ओपन्स
into the duodenum. ठीक है जी. सो दिस इज बाइल डक्ट. हेपेटो पेनक्रियाटिक डक्ट. दिस इज एम्प्यूला. राइट. दिस इज यहां पे एक स्फिंक्टर है, स्फिंक्टर ऑफ बॉयडन. यहां पे स्फिंक्टर है, स्फिंक्टर ऑफ उडाई. ओपनिंग ऑफ बाइल डक्ट इनटू पेनक्रियाटिक डक्ट इज गार्डेड बाय स्फिंक्टर ऑफ बॉयडन, वेयर एज ओपनिंग ऑफ हेपेटो पेनक्रियाटिक एम्प्यूला इनटू ड्यूडिनम इज गार्डेड बाय sphincter of udai. So small intestine has secretions of liver, pancreas and the glands of small intestine. ठीक है जी. bile duct से क्या आता है, bile आ रहा है. pancreatic duct से pancreatic juice आ रहा है. and inside the intestinal glands secrete intestinal juice. Is it okay? Anything you want to ask from this?